नवी मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई शहर में मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 11 नाइजीरियाई लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 करोड़ से अधिक मूल्य की ड्रग्स भी जब्त की है। नवी मुंबई पुलिस ने शनिवार को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 11 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई में वासी के कोपरी गांव में कुछ नाइजीरियाई लोगों के रहने की गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए AHTC की पुलिसकर्मियों की एक टीम ने 26 अप्रैल को 3 बजे से 7 बजे के बीच कोपरी गांव में एक सार्वजनिक शौचालय के पीछे की इमारत में एक फ्लैट पर छापा मारा और भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की।